वेलकम बैक लिसनर्स, हम बात कर रहे थे अभी ब्रेक पर जाने से पहले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि जो बहुत ही यूनिक किस्म के टॉपिक के साथ यूएमटी में जो है होने जा रही है और 23 से 25 नवंबर इसकी डेट्स हैं। आप सब भी जितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं, रिसर्चर्स मौजूद हैं, फैकल्टी मेम्बर्स मौजूद हैं यहाँ पर, वो इन डेट्स को मार्क भी कर लें और भरपूर जो है वो इसकी अपनी जो शिरकत है वो इस कॉन्फ्रेंस में यकीनी बनाएं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अहमद खालिद, हम उनसे बस अब कुछ आखिरी सवालात करेंगे। मैम, मुझे ये बताइएगा कि इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जिस तरह आप अभी थीम्स बता रही थी, तो कोई चीज़ें अभी तक जो स्पेसिफिकली जो रिसर्चर्स हैं उनका कितना अभी तक आपको इंटरेस्ट नज़र आया, कितने अभी तक अब्स्ट्रैक्ट्स जो हैं वो आपको मौसूल हुए हैं? जैसा मैंने कहा कि उर्दू को वैसे तो अपनी हकीकी ज़िंदगी में हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करना पसंद करते हैं, लेकिन इसके बरक्स अगर हमें देखें तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है। हम लोगों के पास मोर देन 80 आर्टिकल्स राइट नाउ वी हैव, और अभी भी हमारे पास और आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो इस वजह से हमें आर्टिकल्स की तरफ से स्टूडेंट्स का, स्कॉलर्स का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। तो इसमें ना सिर्फ उर्दू हमारे पास मैथ्स मीडिया की फील्ड से लोग हैं, हमारे पास उर्दू जर्नलिज्म की फील्ड से भी लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे इसके जॉनर्स ऐसे थे, उन लोगों ने सर सैयद पे, मौलाना जफर अली खान पे, इंडिपेंडेंस पे, उन्होंने भी बहुत सारा काम किया हुआ है। तो हमारे पास बहुत अच्छा रिस्पांस आया है आर्टिकल्स का, और उस हवाले से इंशाल्लाह मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छे तरीके से अपने जितने भी हमारे गोल्स हैं उनको अचीव कर लेंगे। और कॉन्फ्रेंस जो है एक बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी होगी, ना सिर्फ हमारे पास एकेडीमिया की फील्ड से लोग हैं बल्कि हमारे पास बहुत एमिनेंट किस्म के इंटरनेशनल स्कॉलर्स हैं, हमारे पास इंडिया से हैं, हमारे पास डिफरेंट अदर कंट्रीज से हमारे पास स्कॉलर्स हैं और कीनोट स्पीकर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास जो एक और बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास इंडिया से और कश्मीर से भी कुछ पेपर्स आए हैं जो उर्दू जर्नलिज्म से रेलिवेंट है, तो वो बहुत अच्छा रिस्पांस देखने में लगा कि हमें इवन दूसरे कंट्री से जो है और इंडिया से, कश्मीर से, वहाँ के लोगों का उर्दू पर बहुत काम है, वहाँ से हमें इलाहाबाद से बहुत पेपर हमारे पास रिसीव हुए हैं। तो इस तरह से ओवरऑल एक बहुत अच्छा सा तासुर मिल रहा है हमें, हमारे पास बहुत अच्छे कीनोट स्पीकर्स हैं नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे, और नेशनल लेवल पे हमारे पास जितने भी बड़े बड़े उर्दू के नाम हैं, सहाफ़ी हैं, हमारे पास उर्दू जर्नलिज्म के प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, वो तमाम इंशाल्लाह हमारे पैनल पे होंगे और हमारे साथ बहुत हेल्दी डिस्कशन और डिबेट्स जो हैं उनको ज्वाइन करेंगे। और इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस में अदबी एक्टिविटीज़ के साथ साथ कुछ एंटरटेनमेंट भी है, और वो बल्कि अभी हमने इसको थोड़ा सा सरप्राइजिंग ही रखा हुआ है, अभी हम बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी सी फेस्टिविटी होगी, आपको कुछ कल्चरल एलिमेंट्स, कुछ आपको इस तरह की कुछ चीज़ें देखने में नज़र आएंगी। तो इसलिए देखने वालों से और सुनने वालों से बल्कि सबसे मेरी गुजारिश है कि इन डेट्स को वाकई मार्क कर लें जैसे बिलाल साहब ने कहा था, और ज़रूर ज्वाइन करें, और इंशाल्लाह आप इससे बहुत कुछ लर्न भी करेंगे और एक बहुत अच्छी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल किस्म की लर्निंग के साथ साथ एक हेल्दी एंटरटेनमेंट भी होगी। बड़ा ये तो आपने, मेरा ख्याल है जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको भी जो है वो एक शशोपन में डाल दिया है कि वो अब सरप्राइज़ के लिए जो है वो अपने आप को तैयार कर लें। और आपने जिस तरह बात की कि ज़ाहिर है इंटरटेनमेंट, अभी हम ब्रेक पे भी इसी चीज़ के हवाले से बात कर रहे थे कि अगर आप मुस्तकिल रिसर्च की डिस्कशन करेंगे या थोड़ी सी जो बच्चों को उनका इंटरेस्ट डिवेल्प नहीं होगा तो वो बोर भी होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने कहा कि ऐसा कोई इरादा नहीं हमारा, हम इंशाल्लाह उनकी इंटरटेनमेंट के लिए उनको जो है वो वहाँ पर आए। जी जी जो है सही सही सही। तो यकीनन ये बड़ा एक अच्छी और यादगार कॉन्फ्रेंस होगी जिसका हम भी बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं, और जितने रिसर्चर्स यहाँ पर मौजूद हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो भी यकीनन इसको एंजॉय करेंगे और ये उनका एक लाइफ एक्सपीरियंस रहेगा हमारे साथ साथ। तो जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं, वो सब के सब, उनके लिए हमारा यही मैसेज है कि आप मीडिया स्कूल की जो जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है उसमें एक तो शिरकत यकीनी बनाएं, लाजमन उसमें शरीक हों। 23 से 25 नवंबर के दौरान जो है ये कॉन्फ्रेंस जो है यूएमटी जोहर टाउन में होगी, और इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से जो है वो कीनोट स्पीकर्स और पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो शरीक होंगे। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ अपने मेज़बान बिलाल अहसन को इजाज़त दीजिए, हम नई एपिसोड में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और कुछ नए मौजूआत के साथ। और ये जो इंटरव्यूज़ का सिलसिला है ये चलता रहेगा, ये जितने भी हमारी फैकल्टी मेंबरान हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे आपके सामने, और एडमिशन से रेलेवेंट ये जो कैंपेन है एक ये भी चलेगी, मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं वो भी चलेंगे, और साथ साथ हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को भी डिस्कस करेंगे। मुझे बिलाल अहसन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने की बात।